नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल जीओबी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की सुर्खियों की ओर। बिहार में शिक्षा पाना हुआ महंगा, पुलिस स्टेशनों के आगे अब नजर नहीं आएंगे कबाड़। बिहार में एक बार फिर पैर पसार रहा है चमकी बुखार। बिहार में 3,270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी जल्द किए जाएंगे नियुक्त। विधानसभा स्पीकर पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शिक्षा पाना हुआ महंगा। बिहार में शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगा ही होता जा रहा है। एक तरफ सरकार शिक्षा पर हर साल इतना खर्च करती है, दूसरी तरफ अभिभावकों के जेब सिर्फ स्कूल की फीस भरने में ही ढीले हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के फीस हर साल बढ़ा दिए जाते हैं। अगर अभिभावक आपत्ति जाहिर करें तो बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोककर फीस वसूली की जाती है। बिहार के प्राइवेट स्कूलों में हर साल 10% फीस में बढ़ोतरी की जाती है। यही नहीं, सबसे ज्यादा खर्च तो स्कूलों के कॉपी किताब और स्कूल ड्रेस पर किया जाता है। हर साल स्कूलों के ड्रेस बदल दिए जाते हैं। जरूरत से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों से कॉपियों की खरीद के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि ये कॉपियां स्कूल से ही मुहैया करवाई जाती है। पुलिस स्टेशन के आगे अब नजर नहीं आएंगे कबाड़। पुलिस थानों में जब्त कर ली गई गाड़ियों के निष्पादन के लिए सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। अधिकतर थानों के मुहाने पर भी पुरानी गाड़ियों का अंबार देखने को मिल जाता है। इसके निष्पादन के लिए सभी थानों में इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें श्रेणीबद्ध तरीके से सामानों को रखा जाएगा और समयानुसार अलग अलग तरीके की वाहनों का निष्पादन नियमानुसार किया जा सकेगा। जैसे बेनामी या बिना क्लेम वाली गाड़ियों की विधिवत तरीके से जिला प्रशासन से अनुमति लेकर नीलामी की जाएगी, जबकि केस से जुड़ी गाड़ियों की नीलामी कोर्ट से विधिवत अनुमति लेने के बाद ही की जाएगी। 17 मार्च से पहले इंटरमीडिएट के रिजल्ट की कभी भी हो सकती है घोषणा। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षार्थियों का रिजल्ट अब बस चंद दिनों में जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के इंटर के टॉपर्स छात्रों के कॉपियों की जांच प्रक्रिया आज से शुरू है, जो कि कल तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है, और होली तक रिजल्ट देने की योजना बिहार बोर्ड ने बना ली है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट 17 मार्च तक कभी भी जारी कर सकता है। इससे पहले टॉपर्स के वाइवा और लिखित टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी विषयों के एक्सपर्ट्स सवाल भी पूछेंगे। वेरिफिकेशन का काम कल तक पूरा होते ही 17 मार्च तक कभी भी रिजल्ट की घोषणा किए जाने की उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इसका ऐलान करेंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से 1 से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 13,46,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, 3,270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी जल्द किए जाएंगे नियुक्त। कोरोना को देखते हुए 11 फरवरी को यूनानी दिवस का आयोजन नहीं किया गया था। वहीं अब जब कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन की तरफ से यूनानी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान इंडियन यूनानी कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल सलाम भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेहतरीन काम होने की उम्मीद है और लोगों को निरोग रखने में मदद मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि सभी चिकित्सा के अलावा यूनानी भी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और केंद्र सरकार इसके बढ़ावे के लिए शिक्षा व्यवस्था पर तेजी से काम कर रही है। वहीं अगले 1 से 1.5 महीने में राज्य भर में 3,270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति का काम भी पूरा हो जाएगा। बिहार में एक बार फिर पैर पसार रहा है चमकी बुखार। एक बार फिर से बिहार में चमकी बुखार अपना पैर पसार रहा है। इस दौरान दो बच्चों को मुजफ्फरपुर के SKAMCH में भर्ती कराया गया है। इन दोनों बच्चों में से एक मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव के हैं, जिनमें चमकी बुखार के लक्षण थे। दोनों बच्चे फिलहाल अभी ठीक हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। चमकी बुखार के लिए सरकार भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। जागरूकता अभियान का राज्य से मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। चमकी बुखार को आम भाषा में दिमागी बुखार भी कहते हैं। इससे पीड़ित बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। तेज बुखार, सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, उल्टी, सुस्ती और भूख कम लगना, गर्मी के दौरान इंडक्शनों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगले 3 दिनों में रात और दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि की संभावना। राज्य में निरंतर पछुआ हवा के प्रवाह के कारण अभी से ही जून जुलाई जैसी गर्मी महसूस हो रही है। सुबह के 10 बजे के बाद से झुलसने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक ऐसे ही रहने के आसार है। इसके साथ ही पछुआ हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की संभावना है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सुदूर क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इनका प्रभाव मौसम पर पड़ने की वजह से अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं राज्य भर में अगले 3 दिन बाद रात और दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि की संभावना जताई गई है। विधानसभा में हुए हंगामे और मारपीट को लेकर कार्रवाई की जद में आए विधायक।
बिहार विधानसभा में हंगामा करना, मारपीट करना और सत्ता हो या फिर विपक्ष बातों को तवज्जो ना देना, ये सब बातें आम सी हो गई हैं। अभी चल रहे विधानसभा बजट सत्र में भी रोज कोई ना कोई ऐसा मुद्दा देखने को मिल जाता है, लेकिन ये सब चीजें जब दायरों से बाहर निकल जाती हैं तो विधायकों को कार्रवाई के जद में लेना आवश्यक हो जाता है। पिछले साल 23 मार्च को हुए विधानसभा के हंगामे शायद आपको याद ही होंगे। इसी सिलसिले में आचार समिति द्वारा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में एक दर्जन विधायकों को दोषी बताया गया है। समिति ने उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की। अब स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं। बिहार के पटना में होगा देश का 14वां सीडेक सेंटर। बिहार सरकार निरंतर प्रयास में है कि बिहार में सभी नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए और इस नई तकनीक को जानने और समझने के लिए बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने देश में पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाले संस्थान सीडेक का एक केंद्र बिहार की राजधानी पटना में शुरू करने का फैसला किया है। आपको बताते चले कि पटना में स्थापित होने वाला सीडेक सेंटर देश का 14वां सेंटर होगा। ये अब तक देश में कुल 13 सेंटर संचालित है। इस सेंटर की स्थापना के लिए 65,55,00,000 रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस सेंटर का इस्तेमाल शोध और विकास केंद्र के रूप में होगा। इसके माध्यम से सभी विभागों के दस्तावेज की ई फाइलिंग भी होगी। आवेदन देने के साथ ही मिलेंगी निबंधन विभाग की सेवाएं। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तत्काल मुहैया कराए जाने वाले दस्तावेजों के लिए आवेदनों को जबरन लोक सेवा केंद्र भेजने को लेकर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। बिहार सरकार के निबंधन विभाग से जुड़ी हर सेवा के लिए अब आवेदकों को लोक सेवा केंद्र का चक्कर नहीं लगाना होगा। मुख्य सचिव ने अपने पत्रों में साफ साफ कहा है कि RTPS की व्यवस्था मुख्यतः पीड़ित लोगों के लिए है। अगर दस्तावेज का निबंधन कर उसी दिन लौटा दिया जाता रहा तो ना जनता की शिकायत रहेगी और ना ही काउंटर पर उनका समय बर्बाद होगा। उनका काम आवेदन के साथ ही होना अनिवार्य है। चना और मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए राज्य और केंद्र सरकार में हुआ करार। बिहार में तिलहन और दलहन की बढ़ती कीमतों ने आम जनजीवन को त्रस्त करके रख दिया है। इसी बीच बिहार खाद्य विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीद औपचारिक संकल्प पूरा कर लिया। इसके लिए केंद्रीय नोडल अभिकरण निफेड और राज्य नोडल अभिकारक यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 और इसके बाद की खरीद के लिए मसूर और चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 5,500 और 5,200 रुपए निर्धारित किए गए हैं। विधानसभा स्पीकर पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज विधानसभा के प्रश्नकाल में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। दरअसल भाजपा विधायक ने सदन में सवाल उठाया कि लखीसराय मामले में जानना जरूरी है। इस पर सरकार ने स्वीकार किया कि 8 लोगों की जान ली गई है। भाजपा विधायक ने सरकार को घेरा और कहा कि पुलिस दोषियों को नहीं पकड़ रही है, वहीं निर्दोषों को पकड़ रही है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह मामला गंभीर है, ऐसे में इसकी पूरी जानकारी ले लिया जाए। आसन की तरफ से अब इस मामले पर 16 तारीख को जवाब देने का निर्देश दिया गया। इस सवाल के बाद सीएम नीतीश भड़क गए, कहा कि ना तो हम किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। आप इस तरह से हाउस चलाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं चलने देंगे। इस तरह की चर्चा हाउस में नहीं की जाती। मुकेश सहनी ने कहा कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं। बिहार के मुकेश सहनी की VIP पार्टी तमाम भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गई है। VIP प्रमुख ने विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ ही अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से सहनी को NDA से निकाले जाने की मांग भी तेज हो गई है। इस बीच मुकेश सहनी ने इन सभी बातों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं। सहनी ने यह भी कहा कि बिहार NDA में 4 पार्टियां हैं और उनके समर्थन से ही नीतीश सरकार चल रही है और सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। खानसर और चिराग पासवान की हुई लंबी बातचीत। हमेशा अपने नाम और काम और शिक्षा को लेकर विवादों में घिरे रहने वाले खानसर बिहार रालोसपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ नजर आए। दरअसल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की तरफ से अखिल भारतीय दिव्यांग कवि सम्मेलन सह होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया था। यहां खानसर को सम्मानित किया गया। साथ ही खानसर ने बिहार सरकार से सभी दिव्यांगों को मुफ्त में शिक्षा देने की मांग की है और साथ ही RRB NTPC परीक्षा में हुए धांधली मामले को लेकर अपने ऊपर हुए FIR मामले में कहा कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान चिराग पासवान और खानसर के बीच लंबी बातचीत भी हुई। पप्पू यादव ने EVM हटाओ लोकतंत्र संविधान बचाओ का नारा बुलंद करने की अपील। हाल ही में देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद EVM पर लगातार विपक्षी पार्टी द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया है। पप्पू यादव ने कहा कि जब तक EVM है लोकतंत्र का चीरहरण होगा, इसीलिए पूरे देश को क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस के साथ एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक EVM के खिलाफ एक होकर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए EVM हटाओ लोकतंत्र संविधान बचाओ का नारा बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि EVM के रहते लोकतंत्र संविधान और भारत नहीं बच सकता। इसीलिए EVM के खिलाफ हम सबको मिलकर जंग लड़नी होगी और तय
करना होगा कि जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राहुल और विराट का यह खास वीडियो जीत रहा फैंस का दिल। भारत और श्रीलंका के बीच बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में खेल रहे श्रीलंका के धाकर तेज गेंदबाज सुरंगा लक्मन का ये आखिरी टेस्ट मैच है। इसके बाद सुरंगा लक्मन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। ऐसे में भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ने उनके इस ऐतिहासिक मैच को यादगार बनाने की कोशिश की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने फैंस के दिलों को जीत लिया। भारत के खिलाफ ये उनका आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला है। इस खास मौके पर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने बधाई देते हुए उनकी पीठ थपथपाई और उनका जोरदार स्वागत किया। इसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद ही साझा किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, नुन्नू कुमार, गोल्डन कुमार यादव, शोभाकांत पाठक, जितेंद्र ठाकुर, रामशंकर सिंह, मसूद आलम, शंकर मुखिया, प्रिया कुमारी, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीकों से फीस में बढ़ोतरी किए जाने पर लगाम लगना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।